much for giving me the opportunity. हम लोग प्रभु जी माता जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। और आज जैसा प्रभु जी ने बताया कि जन्माष्टमी का समय आ रहा है, बहुत दूर नहीं है, तो हम अभी से अपने मन को, अपने हृदय को और अपने सारे वातावरण को कृष्णा के स्वागत के लिए तैयार करते हैं। तो आज उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जय राधा माधव मंगलाचरण, उसके बाद आज का सत्र शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जी की जय, श्री राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याई गौ प्रेमानंदे हरि हरि गो। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादांसि कृष्णकादां च
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में जुड़ने के लिए। और ये जो मास चल रहा है श्रावण मास और उसके बाद जो मास आने वाला है भाद्रपद मास जो भाद्र मतलब भद्र भद्रम भद्रम मीन्स ऑस्पिशियस और उतना ऑस्पिशियस है कि भगवान ने इस मास को भाद्रपद मास को विशेष रूप से चुना अपने आविर्भाव के लिए। और भगवान का आविर्भाव जिस प्रकार से हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चैमे दिव्यम एवं योति तत्व तत्वा देहन पुरंजनम नेति मामेति सो अर्जुना कि अर्जुन जो मेरे आविर्भाव और मेरे जो लीलाएं हैं वो इन दिव्य लीलाओं को जो तत्व से जानता है वो शरीर त्यागने के बाद में दोबारा शरीर धारण नहीं करता है। तो अगर संसार के वास्तविक स्थिति प्रभु जी माता जी हमको पता है कि जो भव सागर के भव रोग में हम पीड़ित हैं और इससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान और भगवान से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं उनका हमको श्रवण करना चाहिए। उनके श्रवण करने से क्या होता है ये हमको परीक्षित महाराज सिखाते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी नौवें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के जब चर्चा करते हैं चंद्रवंश की सूर्यवंश की चर्चा करने के बाद में उस समय हम क्या देखते हैं कि जी परीक्षित महाराज एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से और वो कहते हैं कि आपने मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जिनकी जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की थी और उनका जो विस्तार से कथा जो आपने नहीं सुनाया आपने केवल बड़ा संक्षेप में वर्णन किया है और मैं मुझे इस समय भूख प्यास कुछ भी नहीं सता रही। आप सोचते हैं कि मैं इतने दिन से भूखा बैठा हूँ प्यासा बैठा हूँ क्यों क्योंकि मैं इस अमृत रूपी कथा का पान कर रहा हूँ और ये अमृत रूपी कथा मैं अपने कर्णों से जो पान कर रहा हूँ उसके पान करने से मुझे संसार की कोई भी भौतिक वस्तु छू नहीं रही है इसलिए मैं क्या चाहता हूँ। वो कहते हैं कि इस समय मुझे आप केवल वो सुनाएं जो भगवान से संबंधित हो और इसीलिए उन्होंने एक श्लोक बोला है परीक्षित महाराज ने। वो क्या कहते हैं दसवें स्कंद के पहले अध्याय का चौथा श्लोक महाराज को श्लोक बहुत प्रिय था। निवृत तरसे रुकीय माना भव सा स्रोत मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान व्रजेत विना पशुनाथ पुमान व्रजेत विना पशुनाथ।
जो पशु की हत्या करने वाले जो कसाई हैं उनको छोड़ करके ऐसा कौन होगा जो ये भव सागर की जो भव रोग की जो औषधि है उसके रूप में जो भगवान हमारे मनों को प्रसन्न करने वाली इतनी सुंदर भगवान की गुणगान की जो लीला है उसको नहीं सुनना चाहेगा। उत्तम श्लोक गुणानुवादा, जिनकी उनके गुणों का गुणगान बड़े बड़े उत्तम श्लोकों से किया जाता है, और उसको कौन सुनते हैं? निवृत्त तरसई रूप की यह माना, जो संसार की तृष्णा, अपने मन की इच्छाओं और संसार की भौतिक वस्तुओं का उन्होंने आस्वादन करके नहीं भी किया, उनका परित्याग कर दिया है, और वो परित्याग करने के बाद में उनको केवल एक चीज में ही रस आता है। किसमें रस आता है? भगवान के जो अमृत रूपी कथाएं हैं उनमें रस आता है। तो भगवान का जो आविर्भाव है उसका स्वागत देखिए प्रभु जी माता जी, क्योंकि हमने सब्जेक्ट लिया है स्वागतम का, कृष्णा का स्वागतम, भगवान का स्वागत करने के लिए किस प्रकार से स्वागत किया जाता है। हमारे घर में कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बड़ी तैयारी करते हैं, और तैयारी के साथ में उसकी आवागमन का समय, उसका जो परिस्थिति, उसके लिए सब तैयारी करके उसको लेने के लिए भेजते हैं किसी को, और ऐसी तैयारी करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसको वो याद रहे, वो हमको याद करे। और यही बात भाव जो ब्राह्मण है, जो ऋषि हैं, जो देव हैं, उनका रहता है कि हम भगवान के स्वागत करेंगे तो भगवान हमको अपने मन में याद करेंगे, और भगवान ने हमको याद कर लिया तो संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। क्योंकि मृत्यु के समय प्रभु जी माता जी पता नहीं है कि हमारी स्थिति क्या होगी। भगवान ने तो कह दिया, क्या कह दिया? कि अंत काले च मामे वैश्वत्वा कलेरम या प्रयाति से माम ज्ञाति अत्र संशया, कि इसमें कोई संदेह नहीं है, अंत समय में शरीर छोड़ते हुए जो मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। लेकिन किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई अचानक चला जाता है, लेकिन भगवान वचन देते हैं इन्हीं परिस्थितियों में अगर तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुमको याद करूंगा। तो भगवान का जो आगमन है उसके बारे में प्रभु जी मैं थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से किस किसने भगवान का स्वागत किया है। हम सब कथा हम सब जानते हैं किस प्रकार से कंस देवकी को लेकर के जाता है, और बड़े प्रेम से आकाशवाणी होती है, और उस समय कंस आकाशवाणी सुनकर के देवकी का जो उनका वध करने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय वध करने के लिए जब तैयार होता है उस समय वसुदेव जी बड़ी कठिनता से, क्योंकि धैर्य धारण करना बड़ा कठिन कार्य है, और ऐसी विषम परिस्थितियों, विवाह का समय हो, विवाह के समय में कोई आकर के, दूसरा आकर के आपकी पत्नी के बाल पकड़ करके कहे कि मैं उसका वध कर रहा हूँ, और उस समय आपकी शक्ति नहीं है उससे लड़ने की, तो बड़ा कठिन कार्य है धैर्य धारण करना। लेकिन वसुदेव जी बड़े धैर्यवान पुरुष हैं, वसुदेव जी धैर्य धारण करते हैं, क्योंकि भागवत में क्या कहा गया है, तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? किम दोनों साधु नाम, ये पहले इस 10वें स्कंद के पहले अध्याय का अंतिम 58 वर्ष है प्रभु जी मध्य 10:158। किम दोनों साधु नाम विदुषाम कुमेक्षितम किम कार्य मध्य कर द्याणाम दुस्तजम किम धतात्म नाम। क्या कहा गया है कि जो सत्य बोलते लोग हैं, जो सत्य बोलते हैं, वो बड़े से बड़ा भी कष्ट सह लेते हैं। वसुदेव जी क्या है? सत्य पुरुष है, उनके मुख से जो निकल गया वो सत्य पत्थर की लकीर है। और आगे क्या गया? विदुषाम किम अपेक्षितम, जो ज्ञानी लोग हैं वो किसी बात की अपेक्षा, किसी चीज की इच्छा नहीं करते, लेकिन जो पापी लोग हैं, जो नीच पुरुष हैं, उनसे कौन सा घृत कार्य नहीं होता है। और इसीलिए जो जितेंद्रिय लोग हैं वो क्या करते हैं? दुस्तजम किम धृतात्म नाम, जो जितेंद्रिय हैं वो क्या करते हैं? भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो वसुदेव जी कैसे हैं? सत्य पुरुष हैं। तो वसुदेव जी ने सत्य का सहारा लेकर के पहले वो कंस को समझाया है, जो भगवत गीता के उपदेश में वो सारे उपदेश दिए, और उसके बाद सत्य वचन कहते हैं कि मैं इनके पुत्र को ला करके आपको दूंगा। कंस जानता है कि वो सत्य पुरुष हैं, इतना बड़ा कष्ट अपने नवजात शिशु को ला करके देने का, तो बड़े आराम से उस समय कंस देवकी को छोड़ देते हैं और उनको जाने देते हैं। हम जानते हैं उसके बाद छह भगवान के
भाई प्रकट होते पैदा होते हैं और उन सब की हत्या कंस कर देता है। नारद मुनि के पहले बच्चे को वापिस करता है, लेकिन नारद मुनि के आने के बाद में कि सारे देवता पृथ्वी पर अवतार धारण करके भोज वंश में, यदु वंश में, वृष्णी वंश में सब बैठे हैं मथुरा के अंदर गोकुल में, तो इसलिए वो सोचता है कि जो विष्णु मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है, उसके सहायता के लिए सारे देवता आए हैं। उस देव देवकी को वापस कारागार में डालता है और एक एक करके छह बच्चों की हत्या कर देता है। भगवान के आने का जब रोजी माता जी समय होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि बलराम जी का प्राकट्य होता है। बलराम जी के प्राकट्य के पहले भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि जो सातवां गर्भ है उसको रोहिणी के घर में स्थापित कर दो, और उसके बाद भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट होते हैं और वसुदेव जी के हृदय से देवकी जी के हृदय में जाते हैं, और वो भगवान जो उसमें प्रकट होते हैं उसकी जो लीला का वर्णन है उसको हम गोकुल से और मथुरा से जोड़ करके देखेंगे। लेकिन गर्भ स्तुति देखिए, भगवान का स्वागत सबसे पहले किसने किया है? माता देवकी कहाँ है? जेल के अंदर है। क्या तैयारी वहां पर होगी स्वागत की, किस प्रकार से होगा? लेकिन देवता लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर के सारे देवताओं को लेकर के वहां आते हैं, और भगवान की जो गर्भ स्तुति होती है उस गर्भ स्तुति में देवता लोग जब भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं, उस समय उसके पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कंस जेल के अंदर आता है, कारागार में आता है। और कंस कारागार में आने के बाद में किस उद्देश्य से आता है कि छह बच्चे उनको तो मैंने मृत कर दिया है, सातवां गर्भ नष्ट हो गया है, ये अंतिम जो है ये निश्चित रूप से विष्णु है, और उसके मन में विचार होगा कि मैं आज देव को ही समाप्त कर दूंगा। लेकिन जैसे ही माता देवकी के चेहरे को वो देखता है, जो साधुओं का प्रभाव होता है, जो भगवान की उपस्थिति जिसके हृदय में होती है, उसके प्रभाव से कंस उस समय जो वसुदेव जी ने उसको ज्ञान दिया था वही ज्ञान स्वयं अपने को देता है और कहता है ऐसा करने से मेरी यश कीर्ति जो भी समाप्त हो जाएगी, मैं मृतप्राय हो जाऊंगा। ये बहन है मेरी, गर्भवती है, इस समय इसको मारना ठीक नहीं है, जब बच्चा पैदा होगा तो देखा जाएगा कि किस लिए होता है। केवल भगवान के जो वहां पर उनका जो देवकी के चेहरे पर जो तेज है, भगवान का वहां पर निवास है, उसको देखने से उनके दर्शन मात्र से देवकी की उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती, कुबुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती। भगवान का जब आने का समय हुआ है, उस समय हम लोग क्या देखते हैं प्रभु जी माता जी, भगवान के स्वागत के लिए बड़ी बड़ी तैयारी की गई है। किस किस ने तैयारी की है देखिए, सुखदेव जी एक बड़ा श्लोक बोलते हैं, तीसरे अध्याय से पहले से लेकर के सातवें श्लोक तक, उसमें क्या कहते हैं, श्री सुख उवाच अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभनः यरो वा जन्म रक्षम शांतर्ष गृह कारकम दिशा प्रसे दुर्गमनम गगनम निर्मलो गुणोदयम मही मंगल भूयिष्ठा पुरुग्राम जाकर। कहा ये क्या गया कि समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। भगवान के प्राकट्य का समय कैसा, जैसे उनके प्राकट्य का समय आया है, उस समय सारा जितनी भी प्रकृति है, प्रकृति अपने अंदर सारे संसार को समेटे हुए है, और उस समय सारा संसार पूरी प्रकृति इतनी प्रसन्न हो गई है कि प्रकृति के अंदर जो जो भी है वो सारे प्रसन्न हो गए हैं। कितना सुंदर बताया गया है, सबसे पहले चरणा की क्या क्या कहा गया है, काल परम शोभनः, जो काल है वो कैसा हो गया, परम शोभा को प्राप्त हो गया। काल मृत्यु को बोलते हैं, और वो मृत्यु जो सबका हरण करती है, उस समय इतनी प्रसन्न हो गई, अपना कार्य भी भूल गई। उसने क्यों कहा गया है कि जो काल है वो अपने मन में सोच रहा है कि सारे ऋषि मुनि पुराण वेद सब कहते हैं कि भगवान काल के परे हैं और मेरी जो है अवहेलना करते हैं, मैं सबको हरने वाला हूँ, सबको ले जाने वाला हूँ, तो क्रुद्ध हो गया था काल।
और इसीलिए जल्दी जल्दी सबको निकल रहा था, लेकिन जैसे ही उसको ये ज्ञात हुआ कि परम पूर्ण सर्वोत्तम भगवान मेरे अंदर निवास करने वाले इस काल में आने वाले हैं, वो तुरंत एकदम से प्रसन्न हो गया और समस्त गुणों को धारण करके सुहावना बनकर प्रकट हो गया। जितनी भी दिशाएं हैं हमारी, दसों दिशाएं, उन दिशाओं को सारी प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न होगी भगवान के स्वागत में? क्यों कहा गया है कि दिशाएं जो होती हैं उनको देवी माना गया, और हर दिशा का अपना अपना एक पति होता है, जैसे प्राची के इंद्र हैं, प्रचीति के वरुण आदि हैं। तो सारी दिशाएं इसलिए प्रसन्न हो गई क्योंकि कंस के काल में जितने देवता थे वो सब उसके अधीन थे, कैदी हो गए थे एक प्रकार से, और उनको स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन जब उनको पता चला कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं और देवताओं की गणना के अनुसार कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में कंस का अंत होने वाला है, उस समय हमारे सारे पति जो है वो स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने पतियों के मिलन के स्वागत भावना से प्रसन्न हो गई। भगवान का स्वागत करने के लिए सारी दिशाएं चल गई। संस्कृत में दिशाओं का एक नाम कहा गया आशा। तो दिशाओं को प्रसन्नता का अर्थ एक भी ये भी है प्रभु जी माता जी कि जैसे अब क्या होगा, जितने भी संत पुरुष हैं भगवान के आने से जो कंस ने उनको इतने कष्ट दिए हैं, क्योंकि जब कंस को पता चला कि अब जो है संसार में मुझे मारने के लिए आने वाले हैं, तो जितने भी उसके दैत्य थे सारे संसार में फैल करके, सब जगह फैल करके उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति देव संस्कृति का ह्रास शुरू कर दिया। तो इसलिए जो दिशा है आशा नाम, तो सबकी आशा पूर्ण होने वाली है सत्पुरुषों की, इसलिए वो प्रसन्न हो गई। पृथ्वी माता अति प्रसन्न हो गई। पृथ्वी माता क्यों प्रसन्न हो गई? वो सोचने लगी जब भगवान वामन आए थे तो उन्होंने ब्रह्मचारी थे, परशुराम जी आए उन्होंने मेरा दान कर दिया, और भगवान राम आए तो उन्होंने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। लेकिन अब क्या होगा जब कृष्णचंद्र आ रहे हैं, वो कृष्णचंद्र क्या करेंगे? आने के बाद में अपने चरण कमलों को मेरे वक्ष के ऊपर धारण करेंगे और मेरे ऊपर उनके चिन्ह जंकित हो जाएंगे। ये सोच सोच करके अपने पुत्र मंगल को लेकर के पृथ्वी माता अपने पति देव का स्वागत करने के लिए चली, क्योंकि भगवान को कहा गया भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी माता उनकी पत्नी है, भूदेवी भी उनकी पत्नी है, सबके सब उनके स्वागत के लिए चली। जितने भी नदियां हैं, जल के स्रोत हैं, वो भी अति प्रसन्न हो गए। हम देख रहे हैं जल के स्रोत, जैसे कलयुग का जब पाप बढ़ता है तो बड़ी विलक्षण हानि होती है, बड़ी भयानक ह्रास होता है पूरी सृष्टि का, जिस तरीके से अभी हो रहा है, बाढ़ आ रही है। लेकिन जो उस समय क्या हुआ, जल नदियां जितनी हैं, उन्होंने क्या विचार किया प्रभु जी माता जी? वो विचार ये करने लगी कि जब भगवान राम ने सेतु बनाया तो जल का नदियां कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ है? पर्वत है, और पर्वत उनके पिता हैं। तो हमारे ससुराल में भगवान ने हमारे पिताओं को बुलाकर हमें पितृग्रह का सुख प्रदान किया, लेकिन भगवान को हम आंख उठाकर देख नहीं सकी क्योंकि हम ससुराल में, ससुराल में पति को आराम से नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए उन्होंने सोचा गंगा जी से कहती हैं, गंगा जी तो भगवान की पुत्री है ना, जिनके चरणों से निकली है, कि अपने पिता के दर्शन कराओ। गंगा जी ने बात नहीं सुनी तो वो प्रसन्न हो गई, कोई बात नहीं, एकदम निर्मल हो गई। अब भगवान स्वयं आने वाले हैं और हमको उनके हमारे अंदर वो पीड़ा करेंगे और हमको अद्भुत सुख देंगे। नदियों का जो सौभाग्य है, जो किसी भी अवतार में नहीं मिला प्रभु जी माता जी, वो कृष्ण अवतार में मिला है वो सौभाग्य। कैसे? कि उस अवतार में कृष्ण की चतुर्थ पटरानी कालिंदी बनी यमुना मैया, और यमुना के अंदर भगवान ने कितनी क्रीड़ाएं करी हैं, वो सारी प्रसन्न हो गई। जितने जल के स्रोत, जैसे हर्द है, जो बड़े बड़े लेक्स वगैरह हैं, वो भी अति प्रसन्न हो गए, एकदम शांत हो गए, अति प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? कि जैसे उनको, जैसे जहां कालिया रहता था उस दह के अंदर भगवान कालिये का शोधन करेंगे, ग्वाल बालों को और अक्रूर जी को, जो हृदय है जहाँ यमुना जी का जहाँ स्रोत जगह था वहां पर भगवान के स्वयं दर्शन कराएंगे, तो सारा हृदय सभी अति प्रसन्न हो गए। जितने भी पांच तत्व हैं वो सब प्रसन्न हो गए। कैसे प्रसन्न हो गए? अग्नि प्रसन्न हो गई,
क्यों अग्नि प्रसन्न हो गई? जैसे भगवान ने पृथ्वी का शोधन किया माटी खा करके, वायु का शोधन किया आकाश में जाकर के व्योमासुर का वध करके, तृणावत का वध करके, कालीय दमन से भगवान ने जल का शोधन कर दिया। उसी प्रकार से भगवान ने अपनी लीलाओं में, बाल लीलाओं में दो बार पृथ्वी को, अग्नि को अपने मुख में रखा, तो मुख का, भगवान के मुख में अग्नि का वास होने से अग्नि इतने प्रसन्न हो गए कि उनको जो अग्नि कंस के द्वारा यज्ञ सारे बंद हो गए थे, और यज्ञ बंद होने से उनको कुछ भी यज्ञ का जो भाग है उनको नहीं मिल रहा था, भूखे बैठे थे, वो सोचने लगे अब भगवान के आने से, कंस को जाने से और हमारे यज्ञ शुरू हो जाएंगे, मैं भी, मेरी भूख भी मिट जाएगी, तो अग्नि भी प्रसन्न हो गए। वायु प्रसन्न हो गई। वायु क्यों प्रसन्न हो गई? वायु ने सोचा कि जो मेरे पुत्र हैं हनुमान, उन्होंने तो, पवन पुत्र हनुमान ने बड़ा भगवान राम को उनकी सेवा की, इस काल में जब भगवान आ रहे हैं, कृष्णचंद्र खुद आ रहे हैं, इस समय मैं उनकी सेवा करूंगा। कैसे सेवा करूंगा? जब भगवान आएंगे और इस धरा पर विचरण करेंगे तो मैं बादल रूप के रख करके उनके ऊपर छाया करूंगा, बड़ी बड़ी सुंदर अच्छी अच्छी फुहारे उनके ऊपर दूंगा, जब उनके मुख पर पसीने की बिंदु आएंगी, हल्की मधुर सुगंधित बयार चला करके, हवा चला करके उनको मैं सुख प्रदान करूंगा। और उनको क्या कहा, क्या गया है कि जब किसी को भगवान के दर्शनों की अभिलाषा हो तो क्या करना चाहिए? सबकी सेवा करनी चाहिए। तो जो पवन है वो सबकी सेवा करने लगा और बड़े प्रेम से सुगंधित वायु चारों तरफ बहने लगी, सब भगवान के स्वागत में लग गए। आकाश प्रसन्न हो गया। आकाश क्यों प्रसन्न हो गया? आकाश की जो उपमा दी जाती है, किससे दी जाती है? एकता, आधारता, विशालता और समता की उपमा दी जाती है। लेकिन भगवान को लेकिन आकाश को जब पता चला भगवान मेघ वर्ण धारण करके, आकाश की नीलिमा का वर्ण धारण करके आ रहे हैं, तो मेरी उपमा भगवान से दी जाएगी, और तो उस समय आकाश अति प्रसन्न हो गया, और इतना प्रसन्न हो गया ऐसा लगा कि सारे आकाश में जो चांद तारे हैं, जैसे किसी छत के जो चंदोबा होता है उसके अंदर बड़े बड़े सुंदर वो चांदी के मोती लटका दिए जाएं, तो सारे तारे वैसे लटक गए। जितने नक्षत्र हैं वो सब प्रसन्न हो गए। नक्षत्र क्यों प्रसन्न हो गए? भगवान ने क्या सोचा, मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं, तो रोहिणी जो है उनके संतोष के लिए कम से कम, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, तो मैं उसके लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में तो जन्म लूं मैं। तो भगवान ने कहते चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूं, तो चंद्रमा की सबसे बड़ी प्यारी पत्नी कौन है? रोहिणी। उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को चुना। जो मन है हमारे, सबके मन जो है अति प्रसन्न हो गए। मन क्यों प्रसन्न हो गए? मन ने क्या सोचा है? मन ने सोचा कि योगी लोग जो है वो क्या करते हैं, मन का निरोध करते हैं। मन को काबू में करो, जितनी इंद्रियां हैं उनको सबको काबू में करो, और जितने भी मोक्ष लोग हैं, मोक्ष की आशा करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, मन और इंद्रियों को पूरा बांध देते हैं। तो भगवान के अवतार का समय जानकर मन ने क्या सोचा कि मैं और मेरी पत्नी, मन की पत्नी कौन है? इंद्रियां। उनके साथ में, बाल बच्चों के साथ में, भगवान के साथ आनंद भोगूंगा, क्योंकि भगवान की जो लीला है, जो बाल लीला, जितनी भी लीलाएं हैं उसमें ये निषेध नहीं है। भगवान कितनी मधुर मधुर लीला करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं के अंदर मन खुल करके प्रसन्न होता है, और भगवान सबको आनंद देते हैं और स्वयं भी आनंद लेते हैं। फिर भगवान कहाँ प्रकट हुए? वसुदेव के मन में प्रकट हुए, और वो जो मन जो है, मन उसका प्रेजेंटेशन है, तो मन अति प्रसन्न हो गया कि हमारे भगवान ने हमको भी अपनी सेवा करने का मौका दिया है। जितने भी संत हैं, जितने भी स्वर्ग के सुमन हैं, वो सब अति प्रसन्न हो गए और सब भगवान की तैयारी करने लगे, भगवान का प्राकट्य हो, हम ऊपर से उनके ऊपर गिरेंगे। उसी प्रकार से भाद्रमस पाद, जो भाद्रमस मास है, वो अति प्रसन्न हो गया। क्यों? कि भगवान ने उस मास को अपने प्राकट्य के लिए चुना, और वो ऐसा मास है, भगवान ने समय क्या चुना है, मध्य रात्रि का। वो क्या रात्रि है? चंद्रोदय के समय।
तो भगवान सारे के सब प्रसन्न हो गए। अति प्रसन्न होने के साथ में कितने ऋषि मुनि देवता हैं सब अपनी वर्षा फूलों की वर्षा करने के लिए सब मथुरा की ओर दौड़ पड़े और ऐसे दौड़ पड़े उनका जो आनंद था वो पीछे छूट गया। लेकिन आनंद भी पीछे पीछे दौड़ने लगा और आनंद पीछे पीछे दौड़ने लगा। आनंद ने अपने खुद को ही भगवान के ऊपर नौछावर कर दिया। जो बादल है बादल समुद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर रहते हैं हमें भी उनका दर्शन करवा दो। समुद्र उनको थोड़ा सा जल देता है कि जाओ जाओ अभी तुम और अपने को पवित्र करो तब भगवान का दर्शन होगा। तो अब बादल इतने प्रसन्न हो गए हम स्वयं मेघ बन करके भगवान के ऊपर जो है छाया भी करेंगे और ब्रज में जब भगवान अपने श्री चरणों को लेकर के ब्रज की भूमि पर विचरण करेंगे तो हम उनके ऊपर अपने खुद को नौछावर कर देंगे। वो भी अति प्रसन्न हो गए तो सारे प्रसन्न हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान का प्राकट्य होता है और वसुदेव जिसे भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रभु जी माता जी क्या देते हैं भगवान का प्राकट्य किस रूप में होता है भगवान का मथुरा के अंदर चतुर्भुज रूप में। अब हम चलते हैं गोकुल। तो गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों उनके जो नंद भवन में एक दिन विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारी इतनी आयु हो गई और अभी तक हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है तो उसके लिए हमारे जो बड़े भाई हैं उपनंद अभिनंद और जो छोटे हैं सनंद और नंदन इन्होंने किसी ने भी ये प्रपोजल नहीं किया है कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए और ये बहुत अच्छी बात है। वो क्यों नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं यशोदे मैं एक सच्ची बात तुमको बताता हूं। क्या मैं ये देखता हूं कि कभी कभी मुझे ये साक्षात दिखाई देता है कि तुम्हारी गोद में एक मेघ वर्ण के समान इंद्रमणि के समान नीलमणि के समान अद्भुत बालक जो इस संसार का तो लगता ही नहीं है वो तुम्हारी गोद में खेल रहा है और मेरी इच्छा है कि हमारे यहाँ जो संसार के किसी बालक का जन्म की हमारी इच्छा नहीं। हम चाहते हैं कि हमें भगवान की स्वयं की लीला देखने का अवसर प्राप्त हो और हमारे गृह में पधारे। तब यशोदा मैया नंद बाबा से कहती हैं कि वज्राज मैंने लज्जावश आपसे आज तक नहीं कहा लेकिन मैं भी अनुभूति करती हूँ मैं भी अपनी गोद में साक्षात ये जो ये जैसा आपने वर्णन किया है उस पुत्र को खेलते हुए देखती हूँ। नंद बाबा यशोदा मैया जब डिस्कशन कर रहे हैं उस समय यशोदा मैया कहती हैं कि ऐसा पुत्र पुत्रेष्टि यज्ञ से कुछ और दान पुण्य करने से तो उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। एक उपाय मेरी समझ में आता है हम द्वादशी व्रत करते हैं। द्वादशी व्रत एक वर्ष का करते हैं और जब ये डिस्कशन चल रहा है उसी समय कितने देवता हैं स्वर्ग के अंदर अपने ढोल नगाड़े दुंदुभी सब बजाने लगे और उनके बजाने के बीच में यशोदा मैया नंद बाबा का जो स्वर है वो उसमें खो गया और यशोदा मैया ने निर्णय किया द्वादशी व्रत कर। द्वादशी व्रत का करते करते पूरा एक साल हो गया। वो इंतजार कर रहे हैं कब हमारे यहाँ भगवान स्वयं अपने हमारे पुत्र रूप में आएंगे। उस समय नंद बाबा को स्वप्न में उनके यहाँ जो पूजा होती है नारायण जी की पूजा होती है नारायण भगवान का दर्शन होता है। नारायण भगवान से नंद बाबा से कहते हैं कि तुम दुखी मत हो तुम लोग तुम्हारी जो इच्छा है अवश्य पूर्ण होगी कृष्णचंद्र तुम्हारे यहाँ प्रकट होंगे। और उस समय नंद बाबा क्या देखते हैं द्विभुजी रूप में भगवान उनके हृदय के अंदर विराजमान होते हैं और उनके हृदय से देव की मैया के हृदय में जाते हैं द्विभुजी रूप में। वहां जाकर के देव भगवान के साथ साथ जो योग माया है वो भी भगवान की छोटी बहन करके बन करके यशोदा मैया के गर्भ में प्रवेश करती है। उस समय यशोदा मैया की शोभा ऐसी होती है कि संसार में किसी की वर्णन नहीं की जा सकती प्रभु जी माता जी क्योंकि भगवान का वहां पदार्पण हो चुका है। और भगवान का पदार्पण हो चुका है उस समय देवता लोग वहां पर भी उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं और देवता लोग जब आते हैं यशोदा मैया का मुख पीला हो गया है और जैसे जो
प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको इच्छा होती है यशोदा मैया क्या खाना चाहती हैं, वो खाना चाहती हैं कपूर की सुगंध से सुगंधित सुंदर सुंदर खीर और सुंदर सुंदर ऐसी ऐसी इनकी इच्छाएं करने लगती हैं यशोदा मैया। और जब भगवान के प्राकट्य का समय आता है उस समय भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि अब मैं यहाँ प्रकट होने वाला हूं, तो भगवान द्विभुजी रूप में यशोदा मैया के हृदय से प्रकट होते हैं और जो योग माया है उनके आदेश के अनुसार द्विभुजी कृष्णा को योग माया वाहन बनकर के लेकर के उनको मथुरा जाती हैं। और मथुरा में जब भगवान वहां द्विभुजी कृष्णा वहां पहुंचते हैं तो वहां पर चतुर्भुजी कृष्णा उस समय ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं, तो द्विभुजी कृष्णा वहां जाकर के चतुर्भुजी कृष्णा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और योग माया वापस आकर के यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट होकर के सुंदर इस बच्ची के रूप में वहां पर उनकी प्रसूति जो सैया है उसके ऊपर आ जाती है। यशोदा मैया फिर हम देखते हैं कि नंद बाबा को वसुदेव जी को भगवान कहते हैं कि मुझे कंस का अगर भय है तो गोकुल ले जाओ, तो गोकुल लेकर के नंद बाबा यशोदा वसुदेव जी आते हैं और यशोदा मैया के पास उन कृष्णा को वहां छोड़ करके, तो जो कृष्णा द्विभुजी कृष्णा यशोदा मैया से प्रकट होकर के मथुरा गए थे वही कृष्णा चतुर्भुजी कृष्णा को अपने में समाहित करके वापस वसुदेव जी के द्वारा गोकुल में लेके आए गए हैं। और वो कृष्णा जब वहां खेलते हैं तो उस वर्णन किया है शीला जीव गोस्वामी ने, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यशोदा मैया प्रसव पीड़ा से आंखों को धीरे धीरे खोलती हैं और देखती हैं कि मेरी बगल में जो लाला विराजमान है वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी वैदुर्य मणि हो या इंद्र मणि हो नील मणि हो और उसकी आभा ऐसी निकल रही है, उसके चरण का नख जो उनके नख है चरण कमलों के उनका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है और जितनी गोपियां हैं वो देखती हैं कि यशोदा मैया का जो रूम है वहां चारों तरफ नीला प्रकाश फैला हुआ है, उस प्रकाश को देख करके उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो वहां आकर आकर के देखती हैं यशोदा मैया ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया है। वो सुंदर पुत्र रत्न को जो जन्म दिया है प्रभु जी माता जी, उस समय जो गोपियां हैं आपस में उनका भगवान का स्वागत कैसे कर रही है, देखिए क्या कहती हैं गोपियां, देखती हैं अरे ये तो कोई ऐसा इस संसार का तो बालक है ही नहीं, ये तो बालक बहुत बड़ी वैदुर्य मणि है नील मणि है, उनके रूप का वर्णन करती हैं कैसे भगवान का रूप है और कहती हैं गोपियां मैं इस लाला को अपनी आंखों पे बिठाऊंगी, मैं इस लाला को अपने हृदय में धारण करूंगी, मैं इस लाला को तो अपने सिर पे बिठाऊंगी और सब डिस्कशन करती हैं। उसी समय एक बूढ़ी ब्राह्मणी वहां आती है प्रभु जी माता, वो बूढ़ी ब्राह्मणी क्या कहती है, बूढ़ी ब्राह्मणी कहती है जो रोहिणी माता है उनकी तरफ देखती है, रोहिणी माता कहती है हाँ जाओ और नंद बाबा को पुत्र आगमन की सूचना दो। तो बूढ़ी ब्राह्मणी हाथ में अक्षत लेकर के दधि लेकर के दूर्वा लेकर के जो शुभ शगुन की चीजें हैं वो सब हाथ में लेकर के जाती है। ये गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो ऐसे जा रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस भी उसको बहुत ज्यादा मालूम पड़ रहा है और बड़ी हाफती बड़ी वहां जब पहुंचती है उसकी दशा बड़ी विचित्र है, वहां पर कौन बैठे हैं, नंद बाबा बीच में विराजमान है, उनके बड़े भाई अभिनंद उपनंद बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं, इतने गोपगण है वो सब वहां बैठे हैं। जैसे ही बूढ़ी ब्राह्मणी का दर्शन कर देखते हैं वो समझ जाते हैं वास्तव में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उस समय बूढ़ी ब्राह्मणी फिर उसी को दोबारा कहती हैं वजराज आपके यहाँ बड़े सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप सब लोग जल्दी से क्यों नहीं चलते उनको देखने के लिए। नंद बाबा अपने बड़े भाई उपनंद की तो सबसे बड़े उपनंद है उनको तरफ देखते हैं, उपनंद कहते हैं नंद अभी इस समय संध्या जितनी भी गैयाएं हैं जो आ रही हैं धोने के लिए बिना किसी को रखे हुए सारी गैयाएं इस बूढ़ी ब्राह्मणी के घर भिजवा दो और जो भी इच्छा हो वो पूरी करके वहां भिजवा दो। नंद बाबा सबके साथ में चल करके आते हैं, वो कहाँ आते हैं, नंदालय में आते हैं और नंदालय में देखते हैं कि वहां जितनी भी जैसे जंगल में आग लगती है
उस प्रकार से ये समाचार पूरे महावन में, गोकुल में फैल जाता है कि नंद बाबा नंदराज के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो जितनी भी गोपियां हैं सब जो श्रृंगार करती हैं, ऐसा श्रृंगार करती हैं, तो जल्दी भी है लेकिन पूरा श्रृंगार करती हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके आंखों को उनके जीवन का फल प्राप्त होने वाला है। सबकी कब से आशा लगी हुई है और वो सारी गोपियां तैयार होकर झुंड के झुंड चल करके भगवान के स्वागत के लिए चलती। जितने गोप हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, अलंकार धारण करते हैं, सब भगवान के स्वागत के लिए चलते हैं। नंद बाबा बीच में हैं, उनके चारों तरफ सब घिरे उनसे घिरे हुए हैं, चंद्रमा के चारों तरफ तारे हैं। और नंद बाबा जब वहां पहुंचते हैं तो यशोदा मैया का जो प्रसूति गृह है उसमें एक खाट की ओट कर, उनकी जो खाट है उसमें पर्दे की ओट लगा करके रोहिणी जी कृष्णा को अपने गोद में लेकर के और उनको कपड़े से ढक करके उनको बड़ा मुख दिखा करके उनका दर्शन नंद बाबा को कराती हैं। नंद बाबा पुत्र का दर्शन करके अति प्रसन्न होते हैं, मन ही मन वो कितने कितने संकल्प करते हैं। उसके बाद रोहिणी माता उनको उनकी गोद में देती हैं। गोद में लेने के बाद में जैसे नियम है उसके बाद में जब जो धाय जो है जो मेड क्या बोलते हैं जो धाय है वो संस्कार करना, जात कर्म संस्कार बागी संस्कार आरंभ करती। जब वो संस्कार आरंभ करती है तो वहां पर वो क्या कहती है कि जब नालोच्छेदन का समय आता है उसके पहले नंद बाबा एक नांदी मुख श्राद्ध करते हैं और उसमें जो उनके पूर्वज हैं वो भी शामिल होते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, भगवान का वो आशीर्वाद देते हैं। और वो जो धाय है कहती है अब नालोच्छेदन का समय आ गया है, नाल काटने का समय आ गया। तो नाल काटने के लिए क्या करना है, नाल को देखना पड़ेगा। तो वो धाय देखती है और कहती है आश्चर्य है आश्चर्य है आश्चर्य। अरे क्या आश्चर्य है, इस अद्भुत बालक के तो नाल ही नहीं है, नाभि सरोवर में नाल की जगह वहां पर तो कमल है। तो नंद बाबा आपके यहां सूतक नहीं हुआ। सूतक कब होता है, जब नालोच्छेदन होता है तब सूतक होता है। नालोच्छेदन नहीं होगा तो सूतक ही नहीं होगा, और सूतक नहीं हुआ तो किस बात का नाल नहीं काटी गई, किस बात का नालोच्छेदन। कहती है इनके तो क्या है, नाभि कमल है। एक गोपी कहती है अरे देखो देखो इस लाला के पैर में तो क्या क्या चिन्ह है, बड़े बड़े चिन्ह है, इसके हस्तों में क्या क्या चिन्ह है। और सारी गोपियां मिलकर के हर्षोल्लास से ऐसा अद्भुत बावल बालक जो है नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुआ है सब बड़े खुशी मनाने लगते हैं। उस समय नंद बाबा का जाकर के नंद बाबा अपने वापस कृष्णा को वहां यशोदा मैया की बगल में लिटा दिया जाता है और नंद बाबा जाते हैं अपनी चौपाल में, वहां सब लोग बैठते हैं। नंद बाबा का जो मन है इतना प्रसन्न है कि उस समय मनी मन वो प्रतिज्ञा करते हैं, और मनी मन प्रतिज्ञा नहीं करते हैं बल्कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनको बुलाने के लिए आदेश देते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण पहले से ही आए हुए हैं, उनको अपने आप ही इतना आनंद तिरोक हो रहा है कि वो भगवान के स्वागत के लिए पहले ही आए हुए हैं सारे ब्राह्मण। नंद बाबा उस समय जब दान प्रारंभ करते हैं पुत्र उत्पत्ति के आनंद में क्या दान प्रारंभ करते हैं, वो कहते हैं 20 लाख गाय प्रयुत अयुत नियुत। प्रयुत कहते हैं 10,000, अयुत 1,00,000 और नियुत 10,00,000। तो 2 नियुत गाय नंद बाबा दान करते हैं, 20 लाख गाय। प्रभु जी माता जी सोचिए एक गाय रखी नहीं जा सकती, 20 लाख दान करते हैं। और वो दान क्या करते हैं नंद बाबा, कैसी गायें हैं वो, उनके खुर सोने से मढ़े हुए हैं, सींग सोने से मढ़े हुए हैं, बड़ी रेशमी झालर उनकी कमर पीठ पर लटक रही है, उनको सुंदर वस्त्रों से ढका गया है, रेशमी वस्त्रों से ढका गया है, उनके अंदर चांदी के चंदोवे लगाए गए हैं,
ऐसी 20 लाख गाय बाबा नंद बाबा दान करते हैं। नंद बाबा क्या करते हैं, जो तिल है तिल का दान अधिकतम माना गया है, तो तिल कैसे बनाते हैं, 7 तिल के पहाड़ बनाते हैं। उन 7 तिलों को पहाड़ों को, तिलों के जो पहाड़ बनाते हैं उनको सुंदर रेशमी सुनहरी सोने के बने हुए कपड़ों से ढकते हैं, उनको ब्राह्मणों को दान करते हैं। ये कहते हैं कि जो कल्पवृक्ष है, जो जिस जो सबसे बड़ा दानी मानता है, वो भी अपने को कोने में छुप करके बैठ जाता है, इनके दान की मैं तुलना नहीं कर सकता। नंद बाबा क्या करते हैं, अपने भंडार से रत्नों को मंगाते हैं, और वो रत्न जितने नंद बाबा उठा सकते हैं, वो कहते हैं इतने ब्राह्मण वहां थे इनकी गिनती नहीं थी, उठा उठा करके इतने रत्न नंद बाबा सारे ब्राह्मणों को दान करते हैं। और नंद बाबा का दान, ये जीव गोस्वामी ने जो उसका वर्णन किया है, उसका ऐसा दान कहीं देखने को प्रभु जी माता जी नहीं मिलता है। फिर जितने भी ग्वाल गोप हैं और गोपियां हैं, सब सुंदर सुंदर वस्त्रों से अलंकृत हैं, सब क्या करते हैं, नंद बाबा की जब 20 लाख गाय दान ही कर दी तो कितनी लाख गाय वहां पर होंगी, कितना दूध और दही होगा हम सोच भी नहीं सकते। वो सारा दूध दही मंगा करके सारे गोप क्या करते हैं, दूध और दही का खेला करते हैं। उस खेले में दूध से दही से एक दूसरे पर फेंक करके, तो वर्णन जी गोस्वामी जी क्या करते हैं कि उसके अंदर वहां पर ऐसा दृश्य स्फुटित हो गया, जो क्षीर सागर जिसको दूध का सागर कहा जाता है वो भी कम पड़ने लगा, ऐसा लगता वही प्रकट हो गया, और वहां पर चारों तरफ जैसे दूध की और दही की नदियां बहने लगी, और सारे ग्वाल बाल उसके अंदर कैसे लग रहे हैं, जैसे कि तारे हो चंद्रमा हो, और नंद बाबा बीच में चंद्रमा की तरह है, बाकी सब सफेद सफेद तारे, क्योंकि इतना ज्यादा। और साथ में क्या किया, बड़े बड़े मक्खन के गोले बना करके एक दूसरे ऊपर फेंके हैं, और मक्खन के गोले उनके ऊपर कैसे लग रहे हैं, जैसे बर्फ के गोले बना करके डाले जाते हैं। तो इतना सुंदर उपस्थित दृश्य उपस्थित हुआ, जो गोपियां हैं वो कहती हैं आज तो नंद बाबा भी बच्चों के जैसे इस दधि सागर में स्नान कर रहे हैं, और उस दधि सागर में जब स्नान कर रहे हैं तो सब क्या करते हैं, बड़े प्रेम से नंद बाबा को दधि में नहलाते हैं, नंद बाबा सबको नहलाते हैं, सारे ग्वाल बाल जब नंद का उत्सव हो रहा है, आकाश में स्वर्ग में उनके नगाड़े बजते हैं, और उनकी जो ध्वनि आती है, उनकी क्या आती है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो जो जितने बाजे बज रहे हैं उन सब से ऐसी ध्वनि आती है कि नंद के आनंद, भगवान का अद्भुत स्वागत हो रहा है। उस समय नंद बाबा सबको लेकर के कहाँ जाते हैं, यमुना पर जाते हैं, और यमुना में जब जाने के बाद में वहां स्नान करते हैं सब लोग, और स्नान करके वापस जब आते हैं उस समय रोहिणी माता व्यवस्था करती हैं, और ये सब प्रभु जी माता जी दिन और रात दोनों में चलता है। उस समय रोहिणी माता बड़े सुंदर सुंदर जो व्रत से बनाए गए पकवान उन सब की व्यवस्था करती है, और सब बैठ करके उसका आस्वादन करते हैं, और सब आस्वादन करके जो नंद बाबा का जो दान है उसकी जब चर्चा होती है, कहते हैं कि उसकी चर्चा करने वाले जो हैं कहते हैं कि ऐसा दान हमने आज तक नहीं देखा, और ये नंद ही कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है प्रभु जी माता जी, क्या उनके पास इतने, क्योंकि जहां कृष्णा आ गए तो लक्ष्मी कहाँ रहेंगी, लक्ष्मी तो साथ साथ आएंगी ही, लक्ष्मी के आने से वहां पर रिद्धि सिद्धि जितनी भी चीजें हैं वो सब वहां प्रकट हो गई, और वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और इस समय नंद बाबा इस नंदोत्सव में इस प्रकार से सब कुछ लुटा रहे हैं, और ये जो नंद बाबा लुटा रहे हैं वो जितना देते हैं उतना और बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। क्यों, रिद्धि सिद्धि और श्री सब वहां पर उपस्थित, और भगवान की जो जो शोभा है वो किस प्रकार से हो रही है
यशोदा मैया के पास जब लेते हैं तो कहा गया है यशोदा मैया और सारी गोपियां जितनी भी हैं भगवान का दर्शन करके उनके दो चीजें हो रही है प्रभु जी माता जी, क्या हो रही है दोनों में फर्क क्या है? जितनी गोपियां हैं वो तो प्रसन्नता के अतिरेक में उनके आंखों से अश्रु ऐसे झड़ रहे हैं, लेकिन जो यशोदा मैया है उनके आंखों के अश्रु के साथ साथ उनके दूध स्तनों से दूध की धारा बहने लगी है। और उस समय जो न्यास होता है, जैसे गोपियां और जो ब्राह्मण लोग जो आते हैं वो भगवान के स्वागत में भगवान के लिए क्या कहते हैं, इनके चरणों की रक्षा ये करें, ये करें, और यशोदा मैया के दोनों स्तनों का प्रक्षालन होता है, और जितने भी कार्य होते हैं वो सारे सब होते हैं। उस समय हम क्या देखते हैं प्रभु जी माता जी, इस सारे नंद भवन में भगवान के स्वागत में हर कोई इतना प्रसन्न है, और ये प्रसन्नता कैसी है कि जिस प्रकार से कोई हमारे यहाँ आए, भागवत में वर्णन आता है कि जब कृष्णा मिथिला गए और मिथिला जाने के बाद में भगवान ने वहां पर क्या किया, मिथिला में पहुंच करके मिथिला क्यों गए भगवान, क्योंकि भगवान के दो भक्त रहते हैं वहां पर, कौन है, बहुलाश्व और सुतदेव ब्राह्मण, उन दोनों के प्रति भगवान का बड़ा प्रेम है, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान मिथिला गए। और जब मिथिला पहुंचे हैं जाने के रास्ते में भगवान का स्वागत सबने किया, और वहां पहुंचने के बाद में सुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व दोनों आते हैं, और जैसे ही भगवान को देखते हैं उनके श्री चरण कमलों में दंडवत गिर जाते, और गिरने के बाद में उनका प्रक्षालन अपने आंखों के आंसुओं के द्वारा करते हैं, और वो करके भगवान बड़ी देख करके अति प्रसन्न है। क्या कहते हैं वो, ये कहते हैं कि आज हमारा ऐसा भाग्य उदय हुआ है कि हमारे जो रक्षक हैं वो स्वयं हमारे पर कृपा करने के लिए पधारे हैं, और दोनों के दोनों एक साथ हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी सेवा का थोड़ी बहुत जो भी हमसे बन सकती है, जो हम इसके योग्य हैं, अवसर प्रदान करें। उस समय भगवान दोनों को कहते हैं ठीक है मैं दोनों के मैं आऊंगा। अब दोनों सोचते हैं कि भगवान कहाँ जाएंगे, मेरे यहाँ आएंगे या इनके यहाँ आएंगे, लेकिन दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, कृष्णा एक ही समय में बहुलाश के यहाँ जाते हैं और उसी समय में सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ भी जाते हैं। और जब बहुलाश के यहाँ जाते हैं भगवान, तो उस समय बहुलाश भगवान को देख करके जैसे ही देखते हैं कि भगवान पधारे हैं, अपने सारे परिवार को लेकर के और भगवान के लिए सुंदर सुंदर आसन बिछा करके शुद्ध जल ला करके भगवान के चरण पखार करके उन चरणों तक को अपने शीर्ष पर धारण करके अपने परिवार को धारण करा करके सबको सारे घर में छिड़क करके अपने को अति प्रसन्न अति 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 प्रसन्न मानते हैं और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। उसी प्रकार जब भगवान उसी समय में शुद्धे ब्राह्मण के यहाँ गए हैं, शुद्धे ब्राह्मण क्या करते हैं, शुद्धे ब्राह्मण भगवान का स्वागत करते हैं, जो कुशा के आसन है उनके पास जो है वो सुंदर सुंदर आसन ला करके बिछाते हैं, बिछाने के बाद में सुंदर पात्र में स्वच्छ पात्र में शुद्ध जल ला करके उनके चरणों को बखार करके उनको अच्छा अच्छा सुंदर जो भी उनका भोजन जो भोग है वो उनको अर्पित करते हैं। लेकिन भगवान के साथ में और कौन है प्रभु जी माता जी, भगवान के साथ में है ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग उनके साथ में। उस समय जब चर्चा होती है भगवान की और शुद्धि ब्राह्मण की, उसमें हम क्या देखते हैं, भगवान शुद्धि ब्राह्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं, देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्श नाचन है सनय पुनंति का तेना कालेना तदपि अरनेक्षया, कि
कोई व्यक्ति धीरे धीरे स्पर्श करके, देख करके, पूजा करके मंदिर में भगवान के जो विग्रह हैं धीरे धीरे पवित्र होता है। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि, देव क्षेत्र में जाकर के, तीर्थ में जाकर के दर्शन से, स्पर्श करने से और उससे, लेकिन पवित्र नदियों में जाकर के धीरे धीरे पवित्र होता है। लेकिन वही जो पवित्रता है, जो ये जो पवित्र होने का है, वो तुरंत प्राप्त हो सकता है। कैसे? जब कोई संत आपके यहां पदार्पण करता है। और इसलिए भगवान इस श्लोक में सुखदेव ब्राह्मण से कहते हैं लास्ट में 8:10:56-57 में प्रोजन क्या कहते हैं, तस्मात् ब्रह्म ऋषि नेतान ब्रह्मन् ऋच्छम् अर्चाचया एवं चेदर्चितो स्मृध्या नान्यभा भूरि भूतिभिः। तस्मात् ब्रह्म ऋषीन एतान, इसलिए तुम क्या करो, भगवान बीच में कहते हैं कि मुझे अपना जो चतुर्भुजी रूप है वो भी इतना प्यारा नहीं है जितने कि ये ब्राह्मण प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं और सारे संसार को पवित्र भी करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे सुखदेव ब्राह्मण, अगर तुमको मेरी साक्षात पूजा करनी है तो क्या करो, ये जो ब्राह्मण लोग हैं इनकी तुम पूजा करने से मेरी साक्षात पूजा का फल प्राप्त कर लोगे, इसलिए इनकी साक्षात पूजा करो। और इसीलिए प्रभु जी माता जी क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि संसार के अंदर हम जब स्वागत करते हैं भगवान के से के स्वागत के समान ही जो साधु संत हैं उनका हमको स्वागत करना चाहिए। अगर हम उनका स्वागत करना नहीं जानते तो भगवान का स्वागत किस प्रकार कर पाएंगे, कैसे उनको अपने हृदय में धारण कर पाएंगे। तो भगवान की जो जन्मोत्सव लीला जो गोकुल के अंदर हुई है वो इतनी अद्भुत है कि उस लीला का वर्णन कितना भी किया जाए हो नहीं सकता। लेकिन समय जितना है उसके अनुसार ये गोपाल चंपू में शिलाजीव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद पूतनावध की लीला आती है, भगवान की छठी होती है और छठी के दिन पूतना का जो लीला होती है वो चर्चा कभी अन्य समय पे होगी। तो आज कथा को यही विश्राम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ इसमें कुछ टीका टिप्पणी हो, सबका बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, देन वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। आज बहुत टाइम बाद प्रहलाद प्रभु जी, प्रहलाद महादेशीय प्रभु जी, उनको कोई प्रश्न होगा मे बी है। प्रभु जी प्रश्न हो तो हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा। आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, बट प्रभु जी प्लीज वेट फॉर वन मिनट, आई एम गोइंग टू दिस टुवर्ड्स समाधि ऑफ महाराज जी। आज समाधि के बहुत टाइम बाद दर्शन कर लेते हैं, जस्ट वेट फॉर वन। थैंक यू। भगवान की कथा में इतना आनंद है कि उस समय हम अपने को ही भूल जाते हैं। सही बात है प्रभु जी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द समाधि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु।
आपने बहुत ही अद्भुत आज भगवान के जन्म लीला का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। और खास तौर से आपने जो प्रकृति का वर्णन किया भगवान के जन्म के प्राकट्य के समय उनकी स्थिति और उनकी मनोभावना, बहुत ही अच्छा लगा। और आपने बड़े अच्छे ढंग से कि आगे भी आप भगवान की इन लीलाओं का सुंदर सुंदर चित्रण हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी भगवान की लीला है तो इसमें प्रश्न तो कुछ है नहीं, बस मैं आपको साधु जी प्रभु साधुवाद प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है, हरे कृष्णा मेरे ख्याल से सर्विस पे प्रभु जी आप आपकी आवाज बहुत कट हो रही है, मैं भी प्रभु जी लेब वगैरह में होंगे इसलिए नेटवर्क की कमी लग रही है वहां पर, अभी वेट करते हैं प्रभु आएंगे प्रभु जी। अरे वो असल में फोन आ गया है इसलिए मैं आ गया। अच्छा प्रभु, इसलिए और इस समय जो मेरे बैकग्राउंड में, लेकिन क्या करें कथा को छोड़ नहीं सकते हैं तो काम करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, हालांकि डिस्टरबेंस भी होता है, बहुत कुछ छूट भी जाता है जी प्रभु, लेकिन फिर करते हैं कि आप लोगों की मधुर वाणी का स्वादन जितना कर सके उतना करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो हमारे सामने जो है हुड चल रहा है इस समय जिसमें कैंसर सेल्स को, ये देखिए आप कैंसर सेल्स को इसमें जी प्रभु करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो उसकी आवाज जो है बहुत तेज होती है। अच्छा तो हम तो अपनी दिहाड़ी भी पूरा कर रहे हैं ना, साथ में क्या करेंगे जी प्रभु। प्रभु इसका जो वर्णन है ना ये गोपाल चंपू में इतना विस्तृत है कि मैं तो उसका कुछ बहुत बहुत ही कम हिस्सा बोल पाया हूँ, उसको बोलना संभव भी नहीं है। शिलाजीत गोस्वामी ने जो लिखा है, हाँ मैंने पढ़ा है उसको, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, बहुत विस्तार से, हर लीला को उन्होंने बड़ा विस्तार दिया है। हाँ उसको हम सबको पढ़ना चाहिए, और जिसको पढ़ने का न समय हो तो आप जैसे महापुरुषों के श्रवण करने को मिल जाता है तो बस वो काम पूरा हो जाता है। अरे हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु महाराज का समाधि का दर्शन हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अब हम महाविष्णु गोस्वामी महाराज की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं और किसी और डिवाइन ग्रेस। महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कृष्ण का जन्मोत्सव इस सुंदर विषय के ऊपर, सॉरी कृष्ण का सुस्वागतम इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंदकोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।